भाजपा ने रेड्डी और राम माधव को बनाया चुनाव प्रभारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में गठबंधन की सुगबुगाहट। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई। इस बीच राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट के बीच भाजपा ने धुरंधर नेता राम माधव को जी किशन रेड्डी के साथ चुनाव प्रभारी बनाया है। जम्मू कश्मीर में 2015 में पहली बार पीडीपी के साथ सरकार की पटकथा लिखने में राम माधव की अहम भूमिका रही है। जा रहा है कि उनके अनुभवों के आधार पर उन्हें दोबारा जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिसूचना के अनुसार 7 जिलों अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, डोडा, किश्तवाड़ व रामबन की 24 सीटों के लिए 27 अगस्त तक नामांकन होगा। हालांकि पहले दिन किसी भी सीट पर पर्चा दाखिल नहीं किया गया। इस बीच विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। प्रदेश में कुल 88,78,832 मतदाता 90 विधायकों का चुनाव करेंगे। इनमें 75,812 सर्विस वोटर हैं। पहले की अधिसूचना के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी व डीडीसी डॉक्टर हरबख्श सिंह अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष जफर इकबाल मनहास व उनके बेटे व शोपिया नगर परिषद उपाध्यक्ष इरफान मनहास, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के महासचिव चौधरी हारून खटाना ने इस्तीफा दे दिया। वहीं पीडीपी में 2 साल बाद पूर्व मंत्री अब्दुल हक खान शामिल हुए। डॉक्टर हरबख्श ने बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थाम लिया है। सोहेल ने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि जफर के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। 93,000 नए वोटर बढ़े। जम्मू कश्मीर में 93,000 नए वोटर बढ़े हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोल के अनुसार 18-19 साल के मतदाता 45,964 हैं। इनमें 24,310 महिलाएं हैं। 18 से 29 साल की आयु वर्ग वाले 25.34 लाख मतदाता हैं।